बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो जी, आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगी बैंगन का भरता बनाना। वैसे तो बैंगन का भरता बनता है चूल्हे की आग पर, ज़्यादा जायकेदार बनता है। हम बनाएंगे, जैसे कि हम ज़्यादा गैस का रिवाज है तो हम बनाएंगे गैस के चूल्हे के ऊपर, गैस की आग पे उसको भून के और आपसे शेयर करेंगे। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, मेरे चैनल को और हिला ऑफिशियल चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और चले आए रेसिपी हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलो आए स्टार्ट करते हैं हम बैंगन का भरता। देखिए कितने प्यारे बैंगन हैं। वैसे तो भरता तंदूर में या चूल्हे में मसल के लकड़ी की आग पे अच्छा बनता है, हम बनाएंगे गैस के वाले चूल्हे पे। इसे ऑन करते हैं, ऐसे बैंगन रख देंगे, आग थोड़ी कम कर देंगे। तीन ही आएंगे हमारे बैंगन, इनको हम ऐसे कम आग पे इनको हम बना लेंगे। और ऐसे ही सारे बैंगन हम इसको आग पे सेक लेंगे, हम इसी आग पे ये भुनेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारे बैंगन है जो ये ऐसे ही आग पे भुनोई हो रही, भुनी जाएंगे। इनको साथ साथ ऐसे पलटते रहेंगे। तो जी ये देखे माशाल्लाह हमने जो ये बैंगन रखे थे उनको हम चेक कर लेते हैं कि ये अंदर से हो गए हैं ऐसे स्पून की मदद से। देखिए ये हो गया है, इससे भी ऐसे चेक कर लेंगे, ये भी भून गया अच्छी तरह। इसमें थोड़ी सी कसर है, ये भी माशाल्लाह हो गया है। और जो हो गए हैं वो हम इसे उन्हें हम निकाल लेंगे। होने देंगे अच्छी तरह और ऐसे ही हम रख देंगे दूसरे। इतनी देर नहीं लगी, जल्दी हो गए ये। देखिए माशाल्लाह इसको हम सबको, जब ये सब हो जाएंगे तैयार फिर बाद में हम बताएंगे कि इसका क्या करना है। जी ये देखिए हमारा सारे ये बैंगन तैयार हो गए थे हमारे, ये आखिरी रह गया था। इसके ऊपर ऐसे ही हम रख देंगे टमाटर, क्योंकि हमने टमाटर भी भूनने। जिधर जिधर उनकी जगह बनती गिर गया, ऐसे ऐसे हम सारे टमाटर रख देंगे और ये लहसुन भी हम रख देंगे, इसको लहसुन को भी हम रख देंगे। ये हमारे तैयार हो गए थे माशाल्लाह, ऐसे इन्हें भी हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारा एक टमाटर रह गया था और शुक्र है हमारा चूल्हा भी इतना गंदा नहीं हुआ। और ये सारे भुन गए,
ये देखेंगे टमाटर, ये सारे बैंगन। अभी ये थोड़े गर्म है, थोड़ा हम ठंडा होने देंगे और फिर ऊपर का इसका छिलका उतारेंगे और फिर हम इन्हें तैयार करेंगे। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, लेकिन वो जो कोयलों वाली बात है वो तो नहीं है, लेकिन फिर भी मसलन के हम 80% तो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमने इसको आग पे ही भुना है। कुछ लोग जो पानी में उबाइल करके बनाते हैं उसका कोई जायका नहीं आता, लेकिन ये भरता है तो उसे कहते हैं जो आग में अच्छे से बैंगन भुने जाएं। इसे ठंडा होने देते हैं। ये हमारा एक टमाटर रह गया, इसको अच्छी तरह भून लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसके छिलके उतारेंगे जब। ये देखिए हम ये सारे ठंडे हो गए थे बैंगन, इनका हम ऐसे अब छिलका उतार लेंगे। देखिए कितने आराम से ये छिलका उतर रहा है। ऐसे ही हम सबका छिलका उतार लेंगे। ये हमारे टमाटर थे, ये देखेंगे लहसुन था हमारा, इसको भी ऐसे ही हम छिलके उतार लेंगे, साफ कर लेंगे, निकाल लेंगे अंदर से। ये सब हम साफ कर लें फिर आपको दिखाते हैं। जी हमने ये बैंगन जो तैयार किए हैं इसको हमने साफ कर लिया है। ये हमारे टमाटर हैं, इसके लिए हम लगाएंगे तड़का। ये हमने प्याज फ्राई करने रख दिए हैं। जी प्याज हमारे फ्राई हो गए थे, इसमें हम डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च, सूखा धनिया, एक चम्मच नमक, इसमें हमने ये रात जो टमाटर भुने ये डाल दी। ऐड कर लेंगे अच्छी तरह, ये टमाटर हमारे मैश हो गए थे, इसमें ऐसे ही हम डाल देंगे ये बैंगन, इनको भी ऐसे मैश कर लेंगे अंदर। जो हमने नमक मिर्च डाली है वो इसके अंदर बैठ जाए। माशाल्लाह हमारा भरता तैयार हो गया था, इसको हम निकालेंगे।